वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक अ पिंच ऑफ स्पाइसेस। आज हम बनाने जा रहे हैं इमरती, जो कि बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनेगी। तो फ्रेंड्स, जिसके लिए हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, उड़द दाल, ये धुली हुई उड़द दाल है जिसको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगा दिया था। 1 कप शुगर, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, गार्निशिंग के लिए पिस्ता और 1 पिंच ऑफ सैफरन कलर। तो अब हम अपनी ये भीगी हुई उड़द दाल को पीस लेंगे। इसे पीसने के लिए हमें इसमें ज्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि इसे हमें सूखा ही पीसना है, बहुत पतला पेस्ट नहीं बनाना है। अब हम इसको पीस लेते हैं। ये देखिए, इसका दाल को पीस के मैंने उसका फाइन पेस्ट बना लिया है। दाल को हमें बहुत अच्छा स्मूथ पीसना है, जिससे कि इसमें कोई भी दाने नहीं रहने चाहिए। और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए आप, इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसको बहुत पतला हमें नहीं करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए, ये एकदम फ्लो में नहीं गिरनी चाहिए। अब हम इसमें मिक्स करेंगे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 1 पिंच ऑफ सैफरन कलर, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको यूज मत करिए। अब इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। इसे हमें खूब अच्छी तरह से फेंटना है, करीब 5 मिनट तक, जिससे कि ये फ्लफी हो जाए। तो इसे हम फ्लफी होने तक एक ही दिशा में घुमाते हुए अच्छे से फेंटेंगे। तो देखिए, अब ये दाल फेंटते फेंटते काफी फ्लफी हो चुकी है। और इसको चेक करने का तरीका है कि हम एक बाउल में पानी लेके उसमें उसका एक स्मॉल पोर्शन डाल के देखेंगे। ये देखिए, ये ऊपर आ गई है, इसका मतलब हमारी दाल फ्लफी हो गई है और इमरती बनाने के लिए तैयार है। देखिए, हमारी ये दाल अब फिट के अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब हम इसको एक बॉटल में भर लेंगे। इसके लिए आप टोमेटो सॉस की बॉटल या फिर केक डेकोरेटिंग वाला जो आपका आता है उसमें भी भर सकते हैं। मेरे पास ये जलेबी मेकर है, मैं इसमें भर रही हूँ और फिर हम इससे अपनी इमरती बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम बनाएंगे इमरती के लिए चाशनी, जिसके लिए हमने शुगर लिया है 1/2 कप और उसमें हम 1/2 कप ही पानी डालेंगे। मीन्स हमें शुगर और पानी दोनों इक्वल अमाउंट में लेने हैं। इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है और इसी चाशनी में हम डाल देंगे 1 पिंच सैफरन कलर, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप मत डालिए, पर इसके डालने से कलर अच्छा आता है। अब हमें इसकी चाशनी को बहुत गाढ़ा नहीं बनाना है, शुगर मेल्ट होने तक हमें इसको पकाना है और इसकी चाशनी 1 थ्रेड से कम ही होनी चाहिए। देखिए, हमारी शुगर मेल्ट होने लगी है। अब हमको इसे एक अच्छा बॉयल आने तक सिर्फ गैस पे रखना है और उसके बाद हम गैस स्विच ऑफ करेंगे। देखिए, हमारी चाशनी में एक अच्छा बॉयल आ चुका है और ये अब तैयार हो गई है। अब हम इसकी गैस ऑफ कर देंगे। हमारी चाशनी अब तैयार हो चुकी है, अब हमें इमरती बनानी है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, मैंने इस तरह की बॉटल ली है जो कि जलेबी मेकर है। आप कोई भी टोमेटो सॉस की बॉटल या केक डेकोरेटिंग किट वाला पाइप यूज कर सकते हैं, जिसमें इस तरह से नोजल होना चाहिए, जिससे कि हम इमरती इजीली बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं इमरती बनाना। इसके लिए हमें घी बहुत ज्यादा गर्म नहीं चाहिए और ना ही बहुत ठंडा चाहिए, मीडियम फ्लेम पे हमें घी गर्म करना है। और अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं इमरती।
ये देखिए हमें इस तरह से इमरती को शेप देनी है और बनाना है। देखिए हमें क्या करना है, दो सर्कल्स करने हैं और उसके बाद में हमें उसके ऊपर छोटे छोटे सर्कल्स इस तरह से बनाते जाने। तो जब ये एक तरफ से फ्राई हो जाएगी तब हमें इसे पलट देना है। और फ्रेंड्स हमें इसके लिए घी बहुत ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि इमरती बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा घी में इमरती बनाने में दिक्कत होती है। तो घी का लेवल हमारा 1 इंच का ही होना चाहिए और जो हम कढ़ाई या पैन लेते हैं वो भी फ्लैट होना चाहिए। अब हमें इसे इसी तरह से मीडियम फ्लेम पे पलटते हुए फ्राई करना है। हमारी अभी इमरती फ्राई हो चुकी है, इनको अब हम चाशनी में डालेंगे। इसके लिए हमारी चाशनी ना तो बहुत गर्म होनी चाहिए और ना ही बहुत ठंडी होनी चाहिए। इसको अब हम पलट पलट के इस चाशनी में अच्छे से डिप कर देंगे। तो ये देखिए हमारी गर्मा गर्म इमरती तैयार है। अब हम कर देते हैं इसकी गार्निशिंग, जिसके लिए मैंने पिस्ता काट के रखा हुआ था उसको हम इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। तो मेरे खद्दू दोस्तों इमरती तैयार है खाने के लिए। इफ़ यू लाइक माई रेसिपी देन प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस।